आज इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं जागरूक नागरिक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम पहले से चला जा रहा है, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा था, और यह कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन संस्था द्वारा चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों के द्वारा देश के भविष्य के नागरिकों यानी बच्चों को हर रूप से सक्षम करना और उनके जीवन में सामाजिक मूल्यों का विकास करना है, जिससे वे अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को अच्छे से हैंडल कर पाएँ, उनका सामना कर पाएँ। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पिछले साल आपने सीखा हम सबके अंदर असीमित शक्ति क्षमता व अच्छाई का विशाल स्रोत है। हम सभी के अंदर एक स्रोत होता है इन सब चीज़ों का, जिसमें हम इन असीमित शक्तियों को विभिन्न संभावनाओं के रूप में प्रकट करते हैं, जिसमें सबसे पहली है शारीरिक संभावनाएं, दूसरी है ज्ञान की संभावनाएं, और तीसरी है सार्वभौमिक संभावनाएं। ये तीन तरह की संभावनाएं एक मनुष्य के अंदर होती हैं, जिनको वो अलग अलग तरह से विकसित कर सकता है। आगे देखते हैं कुछ विशिष्ट संभावनाएं जो वह अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, उनमें से कुछ को यहाँ दिखाया गया है एग्जाम्पल के रूप में। जैसे सबसे पहली है शारीरिक संभावनाएं, जिसमें सबसे पहले देख रहे होंगे आप लोग, कुछ लोग हॉकी खेल रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है क्रीड़ा एवं खेल खेलना, मतलब हम कुछ खेलों के जरिए खेल खेल में कुछ नई संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमारे शारीरिक क्षमता का विकास होता है। इसमें दूसरी जगह दिख रहा है एक आदमी कुछ बैग लिए कहीं जंगल में घूम रहा है, यानी आप अपने संसार का विस्तार करना, इसमें आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई चीज़ें देख सकते हैं, नई नई चीज़ें जान सकते हैं। इसी तरह से स्वयं को व्यक्त करना, इसमें आप हर एक, जैसे कि हम जानते हैं हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो उसको हम अपने टैलेंट को पहचान के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम दिख रहा है, कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, तो इस तरह से हम स्वयं को व्यक्त करना। इसी तरह से दूसरी है ज्ञान की संभावनाएं, जिनमें हम ज्ञान के जरिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नई वस्तुओं का आविष्कार करना। दूसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप रचनात्मक परिकल्पना को साकार करना। तीसरी है मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना। जैसे कि पहले मैं आपको दिखाई दे रहा होगा नई वस्तुएं, जैसे कि एक यहाँ आदमी दिखा रहा है जिसके बारे में हमने आज पढ़ा भी है, उसने एक मिट्टी के फ्रिज का आविष्कार किया है। ये एक आविष्कार है नई चीज़ का, मतलब नई तरीके से। और दूसरे में आपको जमशेद जी टाटा लिखा हुआ है, ये एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इनको भारत के उद्योग का पिता भी माना जाता है, जिन्होंने रचनात्मक परिकल्पना को साकार किया। और नीचे आप देख रहे होंगे निकोलस कॉपरनिकस, इसने अंतरिक्ष के बारे में जाना, मतलब मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार किया, मतलब जहाँ तक हमें ज्ञान था उससे और आगे पहुँचाया। तो हम आगे देखते हैं, हम सभी विशिष्ट संभावनाओं में से कुछ को प्रकट कर सकते हैं, जबकि सार्वभौमिक संभावनाओं में से सभी छह को प्रकट कर सकते हैं। हम जैसा कि हमारा हमने आगे पढ़ा था, कुछ विशिष्ट संभावनाएं होती हैं और कुछ होती हैं सार्वभौमिक संभावनाएं, जिनको हम सभी प्रकट कर सकते हैं। इनमें से पहली है साहसी होना, हम साहसी बन सकते हैं, है ना, किसी काम को बिना डरे कर सकते हैं। दूसरा है स्वयं का विस्तार करना, मतलब हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है श्रद्धा विकसित करना, किसी धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति हम श्रद्धा विकसित कर सकते हैं अपने अंदर। और चौथा है सद्भावना के साथ रहना, हम लोगों के साथ हिलमिलजुल कर रह सकते हैं बिना लड़े, बिना कुछ किसी का बुरा सोचे, इसको सद्भावना बोलेंगे। और चौथी है उत्कृष्टता की खोज करना, उत्कृष्टता की खोज करना मतलब नई नई चीज़ों को नए नए तरीके से बनाना, सोचना, करना। और छठवीं है सत्य की खोज होना, है ना, मतलब किन्हीं चीज़ों को हम जानते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि वो सही है गलत, तो हम उसको अन्वेषण करके उसकी खोज कर सकते हैं नई तरीके से। तो ये छह तरह की सार्वभौमिक संभावनाएं हैं। विशिष्ट संभावनाओं को विकसित करना हमें कुछ क्षेत्रों में सफल बनने में सहायक होता है, लेकिन सार्वभौमिक संभावनाओं को
विकसित करना हमें सफल मनुष्य बनने में सहायक होता है। यहाँ पर दिखाया गया है एग्जाम्पल के जरिए। तो आगे देखते हैं कुछ महान भारतीयों का केस अध्ययन। इसमें कुछ भारत के महान व्यक्तियों को दिखाया गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ महान काम किए हैं। जैसे जो पहली तस्वीर दिखाई दे रही है वो हैं जमशेद जी टाटा, जिनको जैसे कि हमने पहले बताया उद्योग का पिता माना जाता है भारत में। उद्योग को उन्होंने लाया सबसे पहले। उसके बाद हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। आप पढ़ेंगे आगे अपने कोर्स में भी दिया हुआ है हरित क्रांति के बारे में, मतलब इन्होंने खेती बाड़ी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा किया है उसके बारे में अनुसंधान करके लोगों की मदद की। तीसरे नंबर पे हैं बर्गिस कुरियन, ये एक इंजीनियर थे और इनको श्वेत क्रांति, मतलब जो भारत में दूध उत्पादन की क्रांति उसका जनक माना जाता है। इसके बाद हैं सरोजिनी नायडू, जो कि एक बहुत अच्छी कवयित्री थी, साथ में स्वतंत्रता सेनानी, मतलब उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता सेनानी बन के एक नई पहचान दिलाई। और पाँचवें हैं जिनको आप सभी अच्छे से जानते होंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। चलिए आगे हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जमशेद जी टाटा, है ना। जैसा कि हमने बताया इनको उद्योग जगत का पिता माना जाता है भारत में। तो एक 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 करके इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था पिछले साल भी, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ते हैं। प्रसंग एक है, एक व्यवसाय के रूप में इन्होंने कच्चे कपास को उच्च मूल्य के धागे में परिवर्तित करने के लिए कपड़ा मिलों की स्थापना की। उन्होंने घाटे में चल रही कंपनियों को खरीदकर लाभदायक मूल्य सृजन करने वाले व्यवसायों को बदल दिया। ये पहला प्रसंग है, इसमें इन्होंने कपड़ा मिलों का उद्धार किया, उनको कैसे अच्छे से चलाना है वो बताया। इसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने स्टील और पावर, मतलब स्टील की नए नए कंपनियाँ लगाई और पहला बिजली का उत्पादन संयंत्र, मतलब पहले ही बिजली उत्पादन करने की संयंत्र लगाया भारत में। और इन्होंने कई सारे नए नए चीज़ें यहाँ पे की। इन्होंने निजी होटल का विकास भी किया, ताज होटल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। अब इनके बारे में यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे होंगे, इसमें से कुछ यहाँ पे प्रसंग ये दिए हुए हैं, इनमें से आपको पहचानना है संभावना है कौन कौन सी। इन्होंने ये जो हमने प्रसंग पढ़े इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें से कौन कौन सी संभावनाओं को इन्होंने इसमें विकसित किया। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे पहले, फिर कोशिश अपने से करेंगे जो हमने पढ़ा कौन कौन सी संभावनाएं थी उनमें से इन्होंने ये दो प्रसंग के आधार पे कौन सी संभावनाएं विकसित की। इसका आंसर आपको अगले पेज में मिल जाएगा, लेकिन पहले अपने आप से कोशिश करनी है। इसके बाद ये आता है, हमने देखा उनको पढ़ा, अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जो पहला प्रसंग था जो कपड़ा मिल वाला प्रसंग था, उसमें से इनकी संभावना थी मूल्य का सृजन करना। इन्होंने जो चीज़ घाटे में चल रही थी उसको क्या किया, लाभदायक बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मूल्य मतलब संपत्ति का सृजन हुआ, नई नई चीज़ें की उन्होंने इसमें। और दूसरा प्रसंग में क्या हुआ, रचनात्मक परिकल्पना को साकार किया, मतलब उन्होंने जो चीज़ें यहाँ नहीं थी इंडिया में उनका विकास किया, जिससे क्या हुआ नई नई चीज़ों की परिकल्पना हुई। तो ये दो चीज़ें हुई, दो संभावना विकसित की इन्होंने। तो इस तरह से हम आगे भी देखेंगे इनके और भी प्रसंग हैं। यहाँ पे तीसरा प्रसंग है, जमशेद जी अपने परिवार के लिए पैसे अर्जित करने से परे जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे निजी उद्योगों को विकसित किया। इसको आप पूरा पढ़ेंगे तीसरे प्रसंग को। इसी तरह से चौथे प्रसंग में क्या किया, जमशेद जी को भारतीयों जिसमें हमारी क्षमताओं में विश्वास नहीं था, तो अंग्रेज भारत को आज़ादी नहीं दिलाना चाहते थे, दोनों के विरोध और मजाक का सामना करना, मतलब उन्होंने कुछ नई चीज़ें की तो लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और पांचवें प्रसंग में क्या कहता है, वे अपने उद्योग व संस्थानों को उत्कृष्टता देखना चाहते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए वे विश्व स्तरीय हों और उनको अच्छी मशीनरी अच्छे लोगों की तलाश करने व नई तकनीकों को सीखने के लिए उन्होंने प्रयोग में लाया जा सके इत्यादि की विभिन्न देशों में भ्रमण किया। मतलब उन्होंने उद्योगों को अच्छा करने के लिए दूसरे देशों में भ्रमण किया जहाँ पर ये पहले से विकसित थी, ताकि हमारे देश में भी उसी उच्च क्वालिटी की चीज़ें लगाई जा सकें। अब फिर से यहाँ पे आपको दाहिने हाथ पे कुछ प्रसंग दिए हुए हैं,
उनमें से देखना है आपको इन्होंने कौन सी संभावनाएं, सार्वभौमिक संभावनाएं हैं ये, इनमें से कौन कौन सी इन्होंने प्रदर्शित की। तो इनमें से आपको ढूंढना है, यहाँ पे दिए हुए हैं लाल कलर में जो लिखे हुए हैं ये वाली, साहसी होना, स्वयं का विस्तार करना, सद्भावना के साथ रहना, उत्कृष्टता की खोज, श्रद्धा को विकसित करना, सत्य का खोजी होना। तो इनमें से आपको पहचानना है ये प्रसंग पढ़ के, और इनके उत्तर आपको अगले पेज में मिलेंगे यहाँ पे। तो नंबर चार का जो प्रसंग है उसमें इन्होंने क्या किया, लोगों ने इनका मजाक उड़ाया लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इसमें क्या किया इन्होंने, साहसी होना, साहस का प्रदर्शन किया। इसी तरह से तीसरे वाले में जब वो अपने देश के लिए सोच रहे थे, पूरे समाज के लिए सोच रहे थे और साथ में अपने परिवार के लिए भी कर रहे थे, तो उसमें क्या किया, स्वयं का विस्तार किया, मतलब स्वयं को अपने परिवार से आगे बढ़ा के देश के लिए समर्पित करना सीखा। और पांचवा प्रसंग है उसमें क्या किया, उत्कृष्टता की खोज करना, मतलब उन्होंने चीज़ों को और अच्छा करने के लिए दूसरे देशों का भ्रमण किया, जिससे क्या हुआ, चीज़ों को उन्होंने और उचित स्तर का बनाया। तो इस तरह से ये सार्वभौमिक संभावनाएं उन्होंने प्रदर्शित की। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा जो पांच महान लोग थे उनमें से, तो इनमें से क्या किया, पहली में कुछ विशिष्ट संभावना उन्होंने प्रदर्शित किया, उनमें से क्या था, पहली थी मूल का सृजन करना सिखाया, और दूसरे में क्या किया, रचनात्मक परिकल्पना को साकार करना, ये दो चीज़ें की। और सार्वभौमिक संभावनाओं में से क्या किया, साहसी बने वो, स्वयं का विस्तार किया और उत्कृष्टता की खोज की। अब यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपके लिए एक गृह कार्य है, इन्हें दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपने हिसाब से पढ़ के देना है। इसमें आपको अपने आप को एक उद्योगपति मानना है और उसके हिसाब से इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको देना है। ये आप एक पेज में लिख के मुझे भेजेंगे, अपने हिसाब से लिख के इनमें से कौन कौन सी संभावनाएं उनमें आएंगी उनको आप डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में, ठीक है। थैंक यू।